वक्त हमारे साथ सुल्तान बिलाल मौजूद हैं जो इस पूरे सिस्टम को और सैलाब में भी आपने देखा भी होगा कि बहुत ज़्यादा जितना भी काम हुआ उस सारे काम को देखना, उसको मैनेज करना, बर वक्त जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना, और इस कुर्बानियों के जितने प्रोजेक्ट्स इस डेरा गाजी खान के एरिया में हुए हैं उन तमाम की तफसीलात जो हैं इनके पास मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बिलाल भाई, आपको खुश आमदेद कहता हूँ। हमें एक चीज़ बड़ी अहम जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप जानवर ख़रीदते हैं कुर्बानी के लिए तो हमारे जो डोनर्स नाम देते हैं, जो लिस्टें आती हैं उसके मुताबिक आप ख़रीदते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमारे पास हर रीजन में, जिस तरह यह साउथ पंजाब है, हमारे पास लिस्ट होती हैं और उस लिस्ट के हवाले से हम उसको कंपाइल करके, हर रीजन की लिस्ट अपने उनके पास होती है, उस हिसाब से जानवर खरीदे जाते हैं। मसलन एक बड़े जानवर के अंदर 7 हिस्से होते हैं, तो वो उस हिसाब से हमें पता होता है कि इतने डोनर हमारे हैं और उनके लिए इतने हमें जो है जानवर दरकार हैं। फिर हर जो जानवर है उस के हिसाब से टैगिंग हुई होती है इनके पास, तो जब ये टोकन वगैरह देते हैं हमें पता होता है इतने हमारे टोकन जा चुके हैं, इतने जानवर हमें चाहिए, तो हम वो जो है टैग हुआ जानवर जो है, जिस तरह भी आए हैं ज़िबा होते हैं, तो हर जो है उसका फिर गोश्त अलग से बनता है, और बनने के बाद वो जो पैकेट्स में जाता है तो हमें पता होता है कि ये 7 हिस्से इस डोनर के हैं, ये इस जानवर के हैं, इस जानवर के, इस जानवर के हैं, उसको फिर हम कंसोलिडेट करके तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऐसा नहीं करते कि पूरी गाय का गोश्त है तो बस एक दफ़ा नाम लेकिन हिस्से बनाते हैं? अलग से बनता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कसाई भी जो होते हैं उनको भी हमने हिसाब रखना होता है, तो अमूमन हो यही रहा होता है कि हम जानवरों के हिसाब से रखते हैं, तो वो गोश्त जितना अगर हम उसको इकट्ठा करेंगे उतना डिस्ट्रीब्यूशन में आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, उतना उसकी उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस हिसाब से होता है कि हर जितने भी 7 डोनर हैं एक गाय के, उनका जो है गोश्त अलहदा होता है, जानवर अलहदा होता है, जानवर आता है, तकबीर पड़ी जाती है, उसके बाद जो है गोश्त बनता है, और फिर उससे अगले जानवर पर या अगली टीम जो काम कर रही है वो अलग से होती है, क्योंकि एक जानवर को बनाते भी तकरीबन 45 से 50 मिनट लग जाते हैं, तो उस हिसाब से वो जो है गोश्त हम अलग अलग करके तो फिर वो बांटा जाता है रीजन्स में। एक बड़ी अहम चीज़ जो हमने तक भी टेलीविज़न पर नाज़रीन को बताई भी थी कि ये जो जानवर है इनकी जो स्किन है, खाल जो है, उसको फिर बेचा जाता है और उसका जो मसरफ़ है वो किसी ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ एजुकेशन हो रही है या मेडिकल की जो सहूलियात हैं उन, तो ये जो इस रीजन में जितनी कुर्बानियाँ आप करते हैं तो उसकी स्किन यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आप लगा रहे हैं? असल में इसका डिसीजन लोकल जो है ना लेवल पे हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो टीम्स होती हैं, उन्होंने पहले से कुछ ना कुछ उनके अपनी एसोसिएशंस भी होती हैं, तो वह पहले से बताते हैं कि इस जामिया को जाना है या इस अस्पताल को जानी है, वो पहले से अरेंज्ड होता है, क्योंकि थोड़ा लुक्रेटिव मामला है, लोग थोड़ा सा उसमें करते हैं तो हम डिटेल्स ले लेते हैं, लेकिन जो लोग लोकल हैं वो हमसे, अब हम यहाँ पर लाहौर से तकरीबन 900 किलोमीटर पर बैठे हुए हैं, हमें इतनी अच्छी तरह नहीं पता हो सकता कि कौन सा मसरफ कितना ज़्यादा है, वल्दो हम काफ़ी फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं हमारे, लेकिन वो हमें पता होता है कि फ़लानी जामिया है, फ़लानी जो है यतीम खाना है या हस्पताल है, तो वो पहले से डिसाइडेड होता है। और दूसरा ये कि क्योंकि ये 5 से 6 साल से एक प्रोसेस चलता आ रहा है, तो उस वजह से है कि हमें ऑलरेडी पता होता है कि जी कौन सी चीज़ कैसे होनी है, मैकेनिज्म डिवाइस्ड है, वो अपने हिसाब से चलती रहती है। एक और बड़ी अहम चीज़ है वो ये है कि इतनी तादाद के जब जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो इसकी जो स्किन है वो किस मसरफ में लाई जाती है? वो हमारे पास लिस्टें होती हैं इदारा जात की, जो जामियात हैं, दीनी मदारस और हस्पताल हैं या यतीम खाने छोटे मोटे जो चल रहे हैं, तो वो हमारे पास लिस्टें मौजूद होती हैं, तो हम उनकी खिदमत करते हैं।